हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। आई एम अंकिता सिंह हियर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एमसीक्यू बुलेटिन, अंडर विच वी कवर सेक्शन फार्म मशीनरी ऑन टॉपिक एमबी प्लाव। दिस इज आवर कोर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्रीकल्चर ऑल स्टेट्स कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल ऑन एग्रीकल्चर जीके इंस्टीट्यूशन। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लास, पीडीएफ नोट्स जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइंड है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स, एमसीक्यूज, क्वेश्चन बैंक्स और फुल मॉक टेस्ट जो कि एग्रीकल्चर जीके ऐप पर आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आपको पर्सनल गाइडेंस और होने वाले इंटरव्यू में हेल्प भी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ आप क्लासेस को यूट्यूब पर कर सकते हैं और क्लास की नोट्स जो है आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी। तो इस कोर्स में आपको इतने सारे फीचर्स मिलते हैं। आपको इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और कोर्स से रिलेटेड पूरी जानकारी को प्राप्त करना है। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी प्रोवाइड की गई हैं, वहाँ से विजिट कर सकते हैं आप। वहाँ से आप हमारे वेबसाइट agriculturegk.in पर भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको और भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है जहाँ से आपको इस कोर्स की पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन शेयर ऑफ द मोल्ड बोर्ड। तो मोल्ड बोर्ड क्या होता है? ये पार्ट होता है एमबी प्लाव का। तो इसमें बताना है कि जो शेयर होता है, शेयर शेयर जो होता है एमबी मोल्ड बोर्ड पर ही माउंटेड होता है जो कि पेनिट्रेट करता है सॉयल में। तो यहाँ पे बताना है कि इसमें जो होता है कार्बन का कितना परसेंट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये चिल्ड कास्ट आयरन या स्टील का बना होता है जिसमें कि कार्बन की परसेंटेज 0.7 to 0.8% होती है। क्वेश्चन नंबर 2, अ बुलक ड्रॉन देशी प्लाउ इज वर्किंग एट 2.4 किलोमीटर पर आवर एंड कटिंग सॉयल डीप 20 सेंटीमीटर डीप एंड 20 सेंटीमीटर वाइड फरो एट टॉप। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सॉयल कट इन 5 आवर। तो 5 आवर में कितने वॉल्यूम सॉयल कट हो रहा है ये हमें बताना है। तो जो देसी प्लाउ होता है उसमें हमें जो सॉयल की कट जो होती है वो हमें ट्रायंगुलर शेप की मिलती है। तो उस हिसाब से इसका एरिया हो जाएगा हाफ ब्रेथ इनटू हाइट। तो यहाँ हाफ जो इसकी वाइड यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो ब्रेथ हो जाएगी इसकी। तो ये 20 सेंटीमीटर है, उसको चेंज करेंगे मीटर में तो 0.2 मीटर इनटू डेप्थ भी 20 सेंटीमीटर है तो वो भी 0.2 मीटर हो जाएगी। तो ये मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया और हमें बताना है 5 आवर में हमें कितना वॉल्यूम कट हो रहा है। तो यहाँ से स्पीड दी हुई है 2.4 इंटू 10 to the power 3 मीटर पर आवर हो जाएगा और 5 आवर में कट करना है तो 5 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आर आर कट गया यहाँ पे। फिर टोटल वॉल्यूम जब निकालेंगे हम तो इस वैल्यू को और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 5 घंटे में कितना वॉल्यूम जो है सॉयल कट हो रहा है वो पता चल जाएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच शेयर हैज अ डिटैचेबल पीस। तो इसमें बताना है शेयर के कौन से पार्ट में जो होता है डिटैचेबल पीस, मतलब उसे डिटैच कर सकते हैं हम उसके खराब होने के बाद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, स्लिप नोज शेयर, उसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाई कार्बन स्टील हैज कार्बन कंटेंट ऑफ अबाउट। जो हाई कार्बन स्टील होता है उसमें कार्बन की कितनी परसेंटेज होती है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 0.5 to 1.5% जो होती है वो कार्बन की, इसमें हाई कार्बन स्टील में कार्बन कंटेंट होता है इतना। क्वेश्चन नंबर 5, गनल इज विच फेस ऑफ द शेयर दैट स्लाइड्स अलोंग द फरो वॉल। तो
यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वर्टिकल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स, कार्बन कंटेंट इन द कास्ट आयरन इज, कास्ट आयरन में हमें कार्बन के परसेंटेज बतानी है, तो ये 2.5 to 4.5% जो होती है कार्बन कंटेंट होती है कास्ट आयरन में। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच शेयर हैज अ डिसएडवांटेज ऑफ रिप्लेसिंग द एंटायर शेयर इफ इट गेट्स वर्न आउट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा स्लिप शेयर्स, ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि अगर जो शेयर खराब हुआ तो पूरी शेयर को चेंज करना पड़ता है, ये इसका डिसएडवांटेज होगा। क्वेश्चन नंबर एट, स्पेसिफिक ड्राफ्ट ऑफ अ टिलेज इम्प्लीमेंट इज डिफाइंड एज, जो स्पेसिफिक ड्राफ्ट होता है वो ड्राफ्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं ड्राफ्ट पर यूनिट एरिया होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, ड्यूरिंग टर्निंग द ट्रैक्शन वाइल ऑपरेटिंग एमवी प्लाउ, तो जब टर्न करते हैं ट्रैक्टर को तो उस टाइम पे हम प्लाउ को लिफ्ट कर लेते हैं फिर टर्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन, द साइज ऑफ एमवी प्लाउ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इट्स, तो यहाँ पे विथ ऑफ कट के टर्म में से एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इलेवन, विच वन फ्रॉम द बिलो इज अ मल्टीपर्पज टूल, मल्टीपर्पज टूल इसमें इंडिजिनस प्लाउ जो यूज होता है वो मल्टीपर्पज प्लाउ होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, फार्मिंग ऑपरेशन विच रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी, तो जो फार्मिंग ऑपरेशन होता है उसमें टिलेज जो होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि टिलेज जो होता है फर्स्ट टाइम जो हम हार्ड पैन सॉइल को ओपन करते हैं उसमें ड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, और ओवरऑल देखा जाए तो पूरे एंटायर अगर जो हम कोई फील्ड क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो उसमें हम टिलेज को जो है ज़्यादा ड्राफ्ट देते हैं, यानी ज़्यादा उसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, इसलिए टिलेज जो होता है वो मैक्सिमम एनर्जी इसमें लगती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, वर्टिकल सक्शन ऑफ अ प्लाउ इन्फ्लुएंसेस, जो वर्टिकल सक्शन होता है प्लाउ में उसमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर डेप्थ ऑफ बी करेक्ट हो जाएगा, डेप्थ ऑफ कट। क्वेश्चन नंबर 14, टू प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट आर, इसमें बताना है कि कौन से प्राइमरी, इसमें पेयर में दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन से प्राइमरी इक्विपमेंट है, तो एमबी प्लाउ और सब सॉइलर जो है वो प्राइमरी इक्विपमेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, एन इंडिजिनस प्लाउ इज, तो इंडिजिनस प्लाउ जो होता है वो प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट होता है, डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। सॉरी, इंडिजिनस प्लाउ जो होता है वो मल्टीपर्पज इम्प्लीमेंट होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, बुलक ऑपरेटेड एमबी प्लाउ आर, जो बुलक ऑपरेटेड एमबी प्लाउ होते हैं उसमें कितने बॉटम होते हैं, यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। जो ट्रैक्टर ड्रॉन होते हैं उसमें मल्टीपल बॉटम होते हैं, यानी कि जो ट्रैक्टर होता है उसमें जो ये मोल्ड वोल्ड प्लाउ में उसमें जो मोल्ड वोल्ड लगे होते हैं वो मल्टीपल लगे होते हैं, जिससे कि ऑपरेशन जो होता है वो फास्ट हो जाता है, और विथ जो कवर होता है जो हम टिलेज कर रहे हैं वो जैसे इस इतने एरिया ए से बी तक की जो है वो ब्रिथ है उसकी लैंड की, तो उसको करना है, तो अगर हम एक ही बॉटम प्लाउ से करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, साथ ही साथ अगर जो हम ट्रैक्टर ऑपरेटेड या मल्टी बॉटम में मल्टी बॉटम का मोल्ड वोल्ड यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा विथ जो होगा ज़्यादा कवर होगा एक साथ, तो वहाँ पे जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पूछा है बुलक ऑपरेटेड, तो बुलक ऑपरेटेड में सिंगल बॉटम ही यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, गनल इज अ पार्ट ऑफ, गनल जो होता है वो एमबी प्लाउ का पार्ट होता है,
जो वर्टिकल सक्शन को साइड थ्रस्ट जो आता है उससे प्रिवेंट करता है एमबी प्लाव को, जिससे वो फरो के अलोंग जो है स्लाइड करते हुए इजिली जो सॉयल है उसको कट करता है। तो ये एमबी प्लाव का जो है पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मोल्ड बोर्ड। तो मोल्ड बोर्ड जो होता है उसके अलग अलग शेप होते हैं, तो यहाँ पे सर्कुलर शेप का जो है मोल्ड बोर्ड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मटेरियल्स विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग शेयर्स ऑफ द प्लाउ आर। तो जो मटेरियल होता है जो जिस जो यूज किया जाता है वो शेयर बनाने में, उसमें बताना है कि कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो है प्लेन स्टील और चिल्ड कास्ट आयरन दोनों का यूज कर सकते हैं हम शेयर को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 20, चीजल प्लाउ इज यूज फॉर। चीजल प्लाउ जो होता है वो इस टाइप का उसका शेप होता है, वो डायरेक्ट जो होता है वो जमीन में पेंट्रेट करता है और डेप्थ तक जाता है काफी। तो यहाँ पे लगभग जो प्लाइंग जहाँ पे जरूरी होती है हमारी 45 to 75 सेंटीमीटर डेप्थ तक जो है ये फरो वॉल को ब्रेक करता है। तो ये जहाँ पे हमें ज्यादा डेप्थ तक वो प्लॉगिंग करनी है वहां पे हम चीजल प्लाउ का यूज करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ। फॉल्टर आर यूज विथ, कॉल्टर जो होता है वो हम एमबी प्लाउ के साथ यूज करते हैं। कॉल्टर एक तरह का एक्सेसरीज होता है जो मोल्ड बोर्ड के एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। इसको अलग से हम इसमें लगाते हैं एमबी प्लाउ में। क्वेश्चन नंबर 22, सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूजफुल सॉयल रिएक्शन फोर्सेज एंड पैरासिटिक फोर्सेज। जो यूजफुल सॉयल रिएक्शन फोर्सेस होते हैं और पैरासिटिक फोर्सेस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट जो होता है सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस होता है। ये बताना है हमें कि ये विथ ऑफ कट के कितने टाइम्स होता है। तो यहाँ 3/4 टाइम्स जो होता है वो विथ ऑफ कट के होता है, ये सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द ऑपरेशन टू परफॉर्म टू ओपन एनी कल्टिवेबल लैंड इज। तो उसे हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी प्राइमरी टिलेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अ बुलक ड्रॉन इम्प्लीमेंट है, जो बुलक ड्रॉन इम्प्लीमेंट होता है उसकी स्पीड जो होती है लो होती है और साथ ही साथ उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है वो भी लो होती है एज कम्पेयर टू ट्रैक्टर ड्रॉन इम्प्लीमेंट। इसकी स्पीड और ये इसकी कैपेसिटी जो होती है वो कम होती है। क्वेश्चन नंबर 25, प्लॉगिंग इज डन टू, प्लॉगिंग जो होता है वो क्यों करते हैं हम लोग। तो ये सॉयल में जो एरिएशन होता है एयर जो पास होता है उसके लिए करते हैं, उससे इम्प्रूव होती है प्लॉगिंग करने से, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टनेस खत्म हो जाती है जब हम प्लॉगिंग करते हैं, तो वहां से एरिएशन अच्छे से होता है, डिस्ट्रॉय करते हैं डीट्स को प्लॉगिंग करने के बाद, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, जिससे प्लांट की ग्रोथ जो होती है अच्छी होती है। जो भी हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, तो इसके लिए हम प्लॉगिंग करते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, द प्लाउ बॉटम एज कंबाइंड यूनिट कंसिस्ट ऑफ। तो जो प्लाउ बॉटम होता है उसमें कौन कौन सी यूनिट कंसिस्ट होती है, तो इसमें शेयर, लैंडस्लाइड, फ्रॉग एंड मोल्ड बोर्ड ये इसके कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो मोल्ड बोर्ड, लैंडस्लाइड और शेयर जो होते हैं वो फ्रॉग पे माउंटेड होते हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी इसके रिगार्डिंग। फ्रॉग जो होता है एक इस तरह का होता है, उस पर जो सारे जो है मोल्ड बोर्ड और लैंडस्लाइड और शेयर जो होते हैं वो बोल्टेड या माउंटेड होते हैं। सो दिस इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर कोर्स ICR JRF एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के कोर्सेस आप बाय कर सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन से। इसमें आपको मिलेंगे फुल स्टडी मटेरियल्स जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइंड है, और इसमें टॉपिक वाइज आपको कवरेज दी गई है। आप
वीडियोस और पीडीएफ्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है जो कि हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा डिजाइंड है। आपको अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर जाकर विजिट कर सकते हैं और वहां से पूरी कोर्स की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन 27। जॉइंटर एंड क्वार्टर आर द पार्ट ऑफ, तो जॉइंटर और क्वार्टर पहले भी देख चुके हैं कि क्वार्टर के बारे में, और जॉइंटर और क्वार्टर दोनों ही एसेसरीज होते हैं जो एमबी प्लाउ में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे एमबी प्लाउ, यहाँ बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। द फ्रंट एज ऑफ द शेयर विच मेक्स हॉरिजेंटल कट इन द सॉयल इज, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। कटिंग एज, जो कटिंग एज होता है वो फ्रंट एज जो होता है शेयर का, जिस जो हॉरिजेंटली जो है सॉइल को कट करता है। क्वेश्चन नंबर 29। अलोंग मोल्डबोर्ड विथ जेंटल कर्वेचर यूज्ड इन टफ सॉइल फुल ऑफ ग्रासेस इज, जो ग्रासेस से भरी हुई जो लैंड होती है वहां पे कौन किस तरह का मोल्डबोर्ड जो है यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम ब्रेकर टाइप का मोल्डबोर्ड प्लाव यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। द स्लैट टाइप मोल्डबोर्ड इज यूज्ड इन, जो स्लैट टाइप का मोल्डबोर्ड होता है वो कहाँ पे यूज होता है, तो वो स्टिकी सॉइल के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 31। द पार्ट ऑफ एमबी प्लाव टू विच ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लाव इज अटैच्ड इज, तो ये हम पहले भी बता चुके हैं कि सारे पार्ट जो होते हैं वो फ्रॉक पर माउंटेड या वोल्टेड होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। इन द बार पॉइंट शेयर द बार सर्व्स एज, जो बार बार पॉइंट होता है उसमें बार जो होता है वो किस तरह वर्क करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा शेयर एंड लैंड साइड ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। द एमबी प्लाउ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो एमबी प्लाउ जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा सक्शन वो करेक्ट हो जाएगा। एमबी प्लाउ जो होता है वो सक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 34। द व्हील यूज्ड फॉर मेंटेनिंग यूनिफॉर्म डेप्थ ऑफ प्लॉगिंग इन डिफरेंट सॉइल्स इज, तो इसमें इसमें कौन सा व्हील होता है यूज, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा गेज व्हील वो करेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, गेज व्हील जो होता है वो आगे लगा होता है मोल्डबोर्ड के, मोल्डबोर्ड प्लाव के। क्वेश्चन नंबर 35। द पार्ट ऑफ एमबी प्लाव दैट रेजिस्ट द साइड प्रेशर एग्जर्टेड बाय द फरो स्लाइस ऑन द मोल्डबोर्ड इज, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट होगा, लैंड साइड। लैंड साइड जो साइड थ्रस्ट आती है उसे वो करता है, प्रिवेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 36। द साइज ऑफ मोल्ड बोर्ड प्लाव इज एक्सप्रेस्ड बाय, साइज ऑफ मोल्ड बोर्ड जो होता है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, तो यहाँ पे डी ऑप्शन विथ ऑफ कट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37। अ पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस एक्ट एज, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। अकॉर्डिंग टू कॉलिंग द ड्राफ्ट ऑफ मोल्डबोर्ड प्लाउ ऑन द ग्राउंड इज, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कॉलिंग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट कितनी होनी चाहिए मोल्डबोर्ड प्लाउ की ग्राउंड पर, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट हो जाएगा 18%। क्वेश्चन नंबर 39। द मोल्ड बोर्ड ऑफ अ एमबी प्लाउ इज यूजुअली मेड ऑफ, मोल्ड बोर्ड जो होता है वो किस चीज का बना होता है, यूजुअली वो बना होता है यहाँ पे सॉफ्ट सेंटर स्टील का। क्वेश्चन नंबर 40। अ मोल्ड बोर्ड प्लाउ विच इज सुटेबल फॉर प्लॉगिंग अलोंग हिल साइड, तो जो हिल साइड हिल्स होती है, हिल्स स्टेशन उधर जो लैंड होती है उसके लिए कौन सा एमबी प्लाउ यूज होता है, तो यहाँ पे टू वे प्लाउ जो होता है वो हिल साइड के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 41। अ स्टेबल टाइप मोल्ड बोर्ड गिव्स, जो स्टेबल टाइप का मोल्ड बोर्ड होता है उसमें पल्वराइजेशन जो होता है वो किस तरह का बताना है, तो यहाँ पे थरो
पल्वराइजेशन होता है स्टबल टाइप के मोल्ड बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 42, द मेथड ऑफ फ्लॉगिंग इन विच द प्लाउ वर्क्स राउंड द स्ट्रिप ऑफ प्लाउड लैंड इज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा गैदरिंग वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, द शेप ऑफ फरो कट बाय इंडिजिनस प्लाउ इज। जो इंडिजिनस प्लाउ होता है उसमें बताना है कि जो वो होती है फरो स्लाइस की शेप होती है वो किस तरह की होती है। तो यहाँ पे वी शेप की होती है, वी शेप इस टाइप की। अभी हम वहां से एरिया कैलकुलेट किए थे वो, अब प्रॉब्लम जो हम लोग डिस्कस किए थे उसमें। क्वेश्चन 44, द मोस्ट कॉमन इम्प्लीमेंट यूज्ड विद द इंस्टेंट ऑफ सेटलिंग ट्रैफिक पैंस एंड रिड्यूसिंग सॉइल कॉम्पैक्शन इज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, चीजल प्लाउ। क्वेश्चन 45, अलोंग लो मोलबोर्ड विद द ग्रेजुअल ट्विस्ट स्पाइरल दैट कंप्लीटली इन्वर्ट्स द फरो स्लाइस विद अ मिनिमम ऑफ ब्रेकअप दस कवरिंग वेजिटेटिव मैटर थ्रोली इज कॉल्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट होगा, सॉर्ट बॉटम। क्वेश्चन नंबर 46, द यूजफुल लाइफ ऑफ वॉकिंग टाइप प्लाउ मे बी टेकन अबाउट। जो यूजफुल लाइफ होती है प्लाउ की वो कितनी होनी चाहिए होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, 2000 आर जो होती है प्लाउ की लाइफ होती है, यूजफुल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 47, रियर फरो हेल्प्स टू, रियर फरो जो होता है वो हेल्प करता है किसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट होगा, वो 1/3 वेट ऑफ प्लाउ जो है वो कैरी करता है और लैंड साइड से जो प्रेशर एग्जर्ट होती है उसे रिड्यूस करता है और प्लाउ को स्ट्रेट मूव करने में हेल्प करता है। तो यहाँ ऑल ऑफ दी अबव जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रियर फरो जो होती है वो यही है हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 48, इन अ बुलक ड्रॉन एमबी प्लाउ द हॉरिजेंटल सक्शन इज। तो बुलक ड्रॉन जो एमबी प्लाउ होता है उसमें हॉरिजेंटल सक्शन जो होता है वो कितने डेप्थ तक होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, जो अबव जो होता है वो 5 mm से अबव जो होता है हॉरिजेंटल सक्शन होता है यहाँ पे बुलक ड्रॉन एमबी प्लाउ में। क्वेश्चन नंबर 49, ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट आर मैक्सिमम फॉर सरफेस टिलेज व्हाइल वर्किंग विथ। तो ड्राफ्ट रिक्वायरमेंट आर मैक्सिमम फॉर सरफेस टिलेज व्हाइल वर्किंग विद। तो इसमें बताना है किसके साथ जो होता है ड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा, इंडिजिनस प्लाउ, क्योंकि ये लिस्टर प्लाउ और एमबी प्लाउ जो होता है डिस्क प्लाउ होता है इसमें जो है ड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट कम होती है। इंडिजिनस प्लाउ जो होता है वो उसमें बुलक ड्रॉन और इन सब टाइप का प्लाउ होता है, तो उस वाले प्लाउ में जो होती है ड्राफ्ट की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 50, एक्चुअल एरिया कवर्ड विथ 25x2 सेंटीमीटर साइज एमबी प्लाउ इन 8 hours इज 1.28 हेक्टेयर वाइल वर्किंग एट 4 किलोमीटर पर आवर द फील्ड इफिशियंसी ऑफ द एमबी प्लाउ वाज। फील्ड इफिशियंसी यहाँ पे हमें बतानी है। तो यहाँ पे एक्चुअल एरिया जो है वो 25 into, एरिया इक्वल टू हो गया 25 into 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे एमबी प्लाउ जो होता है वो चल यहाँ पे एरिया 8 hours दिया है एंड ये ना किलोमीटर। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी S×W/10 हेक्टेयर पर आवर होता है। तो यहाँ से S जो होती है स्पीड किलोमीटर पर आवर में होती है, तो स्पीड जो हो गई 4 km/h इंटू विथ जो हो गई, यहाँ पे विथ जो हो गई वो 25 into 2 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ पे 25 into 2 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे तो 10^-2 /
टेन कर देंगे तो यहाँ पे थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी जो होती है वो निकल जाएगी। फिर एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी निकालेंगे और दोनों का एक्चुअल फील्ड कैपेसिटी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल फील्ड कैपेसिटी करेंगे तो यहाँ पे हमें फील्ड एफिशिएंसी मिल जाएगी जो कि हमें 80% मिलेगी। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज डिस्कशन। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के जो है एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ उसके आंसर्स को दे दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। सो दिस इज आवर टूडेज लेक्चर। आप हमारे चैनल एग्रीकल्चर जीके पर जुड़ सकते हैं हमसे इंस्टाग्राम टेलीग्राम और यूट्यूब पर कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिए आप यहाँ पे दिए गए QR कोड को स्कैन करेंगे, आप डायरेक्टली टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे आपको इस ये जो PDF डिस्कस किया गया है उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जो जॉब्स अपडेट्स आते हैं एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग वो सब आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसके इसके जो डिटेल्ड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस लिंक पर आप जाइए और वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा यूट्यूब पर, और इंस्टाग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। साथ ही साथ आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज और सारी जानकारी वहां पर मिलेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।